प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसंददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। शांति शांति शांति। क्या चर्चा हो रही है चौथे अध्याय में कि पांचवें में? पांचवा अध्याय 13वां। अच्छा, पांचवा में 13वां। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीं अयुक्तः कामकारेण फलो फले सक्तो निबध्यते। दो ही चीज है, एक है शांति और एक है अशांति। ये क्या है? ये फल है। शांति फल है और अशांति भी फल है। किसके फल हैं ये? कोई पेड़ होगा ना जिसके फल होंगे, तो इसका पेड़ क्या है? कहाँ से ये शांति और अशांति उपलब्ध हो जाती? कहा कि इसके पेड़ हैं युक्त और अयुक्त। नहीं, एक युक्त नाम का पेड़ है उससे शांति फलती है और एक अयुक्त नाम का पेड़ है उससे अशांति फलती है। चेहरे में क्रोध आ जाता है, आंखें ऐसी तरेरने लगते हैं। तरेर रहे थे। ठीक है। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा, युक्त मतलब क्या हो गया? जुड़ा हुआ। और अयुक्त माने जो जुड़ा हुआ नहीं, जो भगवान से परमात्मा से जुड़ा हुआ है। युक्तः वो क्या करेगा? कर्मफलं त्यक्त्वा, भगवान है मुझे कर्मफल की क्या जरूरत है? जा रहे हैं, अरे भैया परमहंसी जा रहे हैं, ऐसा करो गोटे गांव से ही कुछ खाने पीने का रख लो, अपने को 2-3 दिन रहना है वहाँ। एक बात हो गई। और दूसरा, अरे वहाँ भगवती हैं क्या रखना है, उनको तो भोग लगता ही होगा ना, और भगवती भोग लगेगा तो वो बिना खिलाए थोड़े खाएंगे, भक्तों को प्रसाद तो बंटता ही होगा, कोई ज़रूरत नहीं। दो विचार हैं, एक ये है कि भैया क्या होगा, अपना क्या होगा, और दूसरा विचार ये है कि भगवान है जिसने कुछ लेकर के मुंह चीरा है वही मुंह के अंदर जाने वाली वस्तु की भी व्यवस्था करेगा, इसलिए निश्चिंत रहो। जिसने पेट बनाया है वो पेट भरने की भी व्यवस्था करेगा, काहे को चिंता करना। तो जो युक्त है वो जो कुछ करता है उसके फल की आकांक्षा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं अपने लिए कुछ करता ही नहीं, जो कुछ करता हूँ सब प्रभु के लिए। आखिर है मेरा जीवन किस लिए? कोई अगर ये प्रश्न मन में उठाए कि मैं काहे के लिए हूँ, मुझे हाथ पैर शरीर सब दिया गया, काहे के लिए दिया गया?
कुछ तो इसका तात्पर्य होगा। आँख दी गई, कान दिया गया, नाक दी गई, जीभ दी गई, आखिर किस लिए? तो जो भोगी है अयुक्त, वो सोचता है कि ये मेरे भोग के लिए दिया गया है। आँखों से अच्छे अच्छे रूप देख सकूँ, आनंद ले सकूँ रूप का, कानों से अच्छे अच्छे शब्द सुन सकूँ, ध्वनि का आनंद ले सकूँ, और इसी तरह से बाकी। और जो भगवान का भक्त है, आहा भगवान ने मुझे आँख दी है, भगवान का रूप देखने के लिए दी है, उनका दर्शन करूँ, अगर न देते तो मैं भगवान का दर्शन कैसे कर पाता। कान दिए, काय के लिए दिए होंगे भगवान ने, अगर न देते तो हम भगवान के निर्मल चरित्रों का श्रवण कैसे कर सकते। जीव दे दी, भगवान का भोग का आस्वादन मैं कैसे करता। नाक दे दी, जब उनके चरणों में मैं प्रणाम करूँगा तो उनके चरणों में तुलसी दल होगा, उस तुलसी दल का आग्रह मैं कैसे कर सकता था। भगवान के चरण कमलों की जो सौरभ है, सुगंधि है, उसको मैं कैसे अनुभव कर पाता। हाथ के काहे के लिए दिए, मंदिर में झाड़ू पोछा कैसे लगाता, भगवान को स्नान कैसे कराता, अगर ये वाली उंगली ना दी होती तो तिलक कैसे लगाता। इस तरह से हमारा जो रोम रोम है वो सब भगवान की सेवा के लिए है। इसलिए भगवान की सेवा इससे करूँ कर सकूँ, इसके लिए भगवान ने शरीर दिया है और काय के लिए दिया। ये युक्त की भावना है, और अयुक्त की भावना मेरे लिए सब कुछ है ताकि मैं उपभोग कर सकूँ, यही दोनों की बात है। तो जो भगवान के लिए कर रहा है वो क्या करेगा? भगवान, मैंने आपकी सेवा टहल कर दी, आपके मंदिर में झाड़ू पोछा लगा दिया, आपको नहला धुला दिया, अब हमको ये मिले नहीं, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, उसको तो भगवान की सेवा से ही सुख है। बस इतना ही मनाता है कि हे भगवान, मेरे तन को, मेरे मन को आप ये अवसर से वंचित मत कर देना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी कारण से सेवा से हटा दिए जाएं, बीमार हो जाएंगे तो हटा दिए जाएंगे। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको हटा दिया जाए भगवान की सेवा से, पूजा से, इसलिए मैं फिट रहूं, कहीं ऐसा ना हो। तो जो कुछ भी अपने शरीर के प्रति भी कार्य करता है वो इसलिए नहीं करता कि उसको आकांक्षा है, बल्कि इसलिए कि भगवान की सेवा में हमारी जो नियुक्ति है उसमें बाधा ना पड़ जाए। तो ये दो तरह के लोग हो गए, एक युक्त और एक अयुक्त, और दोनों का बीच में फल क्या है? एक स्वयं फलाकांक्षी है और दूसरे को फल की आकांक्षा ही नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं भगवत अर्पण बुद्धि से कर रहे हैं। तो जो युक्त है कर्म फल की, जिसको आकांक्षा नहीं है, वो क्या पाएगा? शांतिम आपनोति। कैसी शांति? वो भी निष्ठकीम, जो निष्ठा से उत्पन्न होती है, ऐसी शांति को प्राप्त कर लेगा। निष्ठ की शांति माने जिसके प्रति निष्ठा है उसकी शांति को प्राप्त करेगा। दो तीन तरह की माने दो तरह की शांति हो गई ना, एक भगवान की शांति है और एक भक्त की, हमारी शांति। तो हमारी जो शांति है वो बहुत छोटी है, तुच्छ है, हमारे सारी चीज़ें तुच्छ हैं। जहाँ अनंत ब्रह्मांड नायक का शरीर है विराट, उस विराट शरीर के आगे हमारा शरीर क्या है? राई का दाना तो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, शेषनाग के सिर के ऊपर केवल राई के बराबर है। इसलिए हम उसमें राई के बराबर तो कहाँ दिखते हैं, है ही नहीं है, कोई गणना ही नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति हमारी है। नहीं, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से भी हम नहीं दिखेंगे, ये तो भगवान ही की आँख है जो हमको देख पा रही है, अन्यथा हम इतने तुच्छ हैं कि दिख नहीं सकते। तो इतने तुच्छ होकर के हम अपनी शांति की तुलना भगवान की शांति से कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान की शांति हमको मिल जाएगी। इसलिए शांतिम आपनोति,
कीदृशीं नैष्ठिकीं निष्ठायां भवाम शांतिम युक्तः कर्मफलासंगम त्यक्त्वा प्राप्नोति। ये तो युक्त की बात हो गई। शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं युक्त का मतलब क्या है, ईश्वराय कर्माणि न, ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति। ईश्वर के लिए मेरे कर्म हैं, मेरे अपने फल के लिए नहीं हैं, ऐसा जिसका भाव है वो युक्त है। और अयुक्त है इसका उल्टा, जिसका अपने लिए ही सब कुछ कर रहा है कि मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो अकेला है, जुड़ा हुआ नहीं, उसका क्या होगा। का फले सकता है, वो फल में सकता है, इसलिए निबध्यते, वो बंधा रहेगा। कैसे बंधा रहेगा आप देखिए कि कुत्ता है, बकरी है, लोग क्या करते हैं कि उसके सामने हरा हरा पत्ता या रोटी का टुकड़ा दिखाते हैं, फिर क्या होता है, फिर उस रोटी को या पत्ते, हरे पत्ते के टुकड़े को लेके पीछे चलने लगते हैं और वो बकरी या कुत्ता उन्हीं के पीछे पीछे चलने लगता है। अभी बांधा नहीं है उसको, रस्सी से बांध के ऐसे खींचे तब ना जाना चाहिए उनकी ओर, लेकिन बांधा नहीं, लेकिन फले सकता है। फल में उसकी आसक्ति हो गई कि इस टुकड़े को मैं खा लूंगा, इस पत्ते को मैं खा लूंगी, इस तरह की उसकी जो भावना है, उस भावना का परिणाम क्या हुआ कि बिना बांधे खींचा जा रहा है, यही बंधन है। फले सक्तो निबध्यते, है ना, बांध के खींच लेती। भगवान कहते हैं कि निष्ठा का क्रम है, ये जो भगवत विषयणी निष्ठा है जिससे ये शांति प्राप्त हो रही है, क्या क्रम है, सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा इति क्रमेण, ये क्रम है। पहले क्या होगा, जब हम फलासंग वर्जित कार्य करेंगे, फलाकांक्षा से रहित होकर के उक्त कर्म करेंगे, भगवान के आदेश का पालन करेंगे, तब क्या होगा, फल तो हमको चाहिए नहीं, नहीं तो फल मिल जाता, तो उससे भगवान तो फल देंगे, है ना। जो नौकर हमारे यहाँ काम करने के लिए आया, हम जब काम करेगा तो हम तो कृतघ्न नहीं हैं, क्योंकि कृतघ्न नास्ति निष्कृति ही, जो कृतघ्न है उसकी तो कोई निष्कृति ही नहीं है, बहुत खराब बात। तो कोई भी मालिक काम कराने के बाद पेमेंट ना करे, हो नहीं सकता, अच्छा मालिक होगा तो ज़रूर करेगा। अब समस्या ये है कि वो लेता नहीं कि ना ना मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो खुश हूँ, मुझे आपने मौका दिया है आपकी सेवा का, यही मेरे लिए बस पर्याप्त है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तब क्या होगा, तो वो जो नौकर है अब उसको मालिक अपने घर के लोगों से कह देगा कि भाई देखना इसको परेशान ना करना, इसकी जब जो ज़रूरत हो पूरा कर देंगे। और फिर धीरे धीरे किसी समय जो मालिक है वो उसको अपना मानने लगेगा और अपनी संपत्ति में उसको भी अधिकारी बना देगा कि मेरी संपत्ति इसकी भी है। बीमार होगा जो लगे कोई बात नहीं, जैसे अपना बेटा होता वैसे ही। अब उसको अलग से हिसाब की ज़रूरत नहीं है, अब उसकी सब ज़रूरतें अपने आप पूरी होने लगे। इसका मतलब है कि भगवान या मालिक देगा ज़रूर, वो नहीं लेता तब भी दूसरे तरीके से देगा, लेकिन देगा। तो भगवान क्या करेंगे, देंगे, देंगे तो क्या होगा, अंतःकरण की शुद्धि होने लगेगी। अंतःकरण की शुद्धि इसलिए कि जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को जब हम अपने लिए भोगते हैं, तो जैसे चाय की छन्नी में चाय जम जाती है,
कई दिन छानने से, वैसे ही हमारे अंतःकरण में जो विषय हम भोगते हैं उन विषयों का लेश जमा रह जाता है संस्कार के रूप में, और वो जो लेश जमा रह जाता है उसी से हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है। तो उस दूषित अंतःकरण, जैसे हम लोग रोज भोजन कर रहे हैं, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, फिर निगल जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपकी जो जीभ है उस जीभ पर आपके खाए गए अन्न का कण चिपक जाता है, प्रतिदिन होता है, इसलिए प्रतिदिन आपको जीभ छीलनी पड़ती कि इस पे कल के खाए हुए का जितना जम गया है उसको हटा देता हूँ। अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? का नहीं हटाएंगे तो जो लोग रोज हटाते हैं उनको तो अटपटा लगेगा 2-3 दिन 4 दिन, फिर अटपटा लगना ख़त्म हो जाएगा, फिर वैसे ही सही हो जाएगा। कई लोग नहीं भी हटाते हैं लेकिन फिर उनकी जीभ में स्वाद की जो संवेदना है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो जीभ के अंदर स्वाद अंदर भेदने के जो छिद्र हैं सूक्ष्म, वो बंद होने लगते हैं तो उनको स्वाद का अनुभव कम होने लग जाता है। तो इसी तरह से जब हम भोग भोगते हैं तो हमारी इंद्रियों में भी संस्कार रूप से उनका लेपन हो जाता है, और वो जो लेपन है उससे उनकी संवेदना कमज़ोर हो जाती है, इसलिए अंतःकरण जो है वो मलिन हो जाता है। तो जब हम फलाकांक्षा नहीं करेंगे, विषय का उपभोग अपने लिए नहीं करेंगे तो वो काम बंद हो गया तो हमारा छन्ना जैसे कहता है सही है, एकदम साफ सुथरा, अंतःकरण स्वच्छ। तो सबसे पहले जैसे ही हम विषय ग्रहण करने से पृथक होते हैं वैसे ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है। फिर क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होगा? का अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो अब बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा है, जब बाहर से कुछ नहीं आता है तो अंदर काम होने लग जाता है। आपके शरीर में ऐसी मशीन है कि बाहर का खाना बंद कर दीजिए तो आपके जो शरीर की अंतड़ियाँ हैं वो अंदर जो पहले से संग्रहित है फैट उसको खाने लगती हैं, उसको जलाने लगती हैं, इसलिए धीरे धीरे आदमी दुबला होने लगता है। ऐसे 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 पहले ऐसा था, अब खाना छोड़ दिया ऐसे सिकुड़ने लगता है। इसका मतलब है कि बाहर का खाना छोड़ेंगे तो अंदर की चीज़ों का खाना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हम विषयों का ग्रहण छोड़ेंगे वैसे ही अंदर कुछ हलचल होने लग जाएगी। अंदर जब हलचल होगी तो उसी का नाम है ज्ञान प्राप्ति। अब सारी दृष्टि आत्मा की ओर हो गई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो सर्वकर्म संन्यास रूप ज्ञान निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। ज्ञान निष्ठा का मतलब है फिर कर्म व्यर्थ हो जाएंगे, कर्म करने की अब आवश्यकता ही नहीं। ज्ञान में निष्ठा हो गई तो कर्म की निष्ठा कमजोर हो जाएगी, कर्म में निष्ठा हो गई तो ज्ञान की निष्ठा कमजोर हो जाएगी, नियम। तो ऐसी परिस्थिति में ज्ञान निष्ठा की उत्पन्न होते ही कर्म निष्ठा हमारी समाप्त हो जाएगी, तब क्या होगा? कर्म निष्ठा जैसे ही समाप्त होगी वैसे हमको शांति प्राप्त होगी। हमको अशांति है क्यों? इसीलिए अशांति है क्योंकि हमारा मन एक है और इंद्रियां 5 हैं। तो 5 इंद्रियों की विशेषता यह है कि वो स्वयं में सक्षम नहीं है, उनको मन को साथ लेकर के विषयों को पास जाना पड़ता है। कोई भी इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय है, मन का संयोग नहीं होगा तो सुन नहीं सकेगी। चक्षुर इंद्रिय है, मन का संयोग नहीं होगा तो रूप नहीं देख सकेगी, आँखों के सामने से दृश्य गुजर जाएगा। देखा भैया? भैया नहीं देख पाए, क्यों? हमारा मन कहीं और था। अन्यत्र मना अभुवम नहम अपश्यम नहम अश्रवशम, मन के अन्यत्र होने के कारण मैं नहीं देख सका, आंखें तो खुली थी, कान तो खुले थे। इसका मतलब है कि सब इंद्रियों को मन के साथ जा करके विषय की उपलब्धि होती है। अब मन एक है और इंद्रियां 5 हैं और सबको हर समय जागृत है, हर समय सबको विषय चाहिए, तो आंखें जो है वो मन को खींच रही हैं कि मेरे साथ चलो, कान अपने सोच रहा है मेरे साथ चलो, जीव रसनेन्द्रिय अपने साथ, घ्राणेन्द्रिय अपने साथ, त्वगेन्द्रिय अपने साथ। अब मन एक है, वो खींचतान मची है बेचारे की, अब उसको सबको संतुष्ट भी करना है,
बिल्कुल कड़क नहीं हो सकता, वो बड़ा नरम है मन, किसी को नाराज नहीं करता। इसलिए दौड़ दौड़ के अच्छा चलो अच्छा चलो अच्छा चलो अच्छा चलो सबकी इच्छा पूरी कर रहा है। अब सबकी इच्छा पूरी करने में स्वयं का क्या हो रहा है, समझो नाच रहा, शांत कैसे होगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, तो इसी से अशांति आ जाती है। और जैसे ही विषयों का आग्रहण माने विषयों की स्वीकृति का निराश कर दिया, अब नहीं विषय चाहिए, वैसे क्या हुआ, अब मन की जो दौड़ है वो बंद हो गई, ना आँख बुलाती ना कान बुलाते ना ये बुलाता ना वो बुलाते, काम खत्म, अब मन जहाँ का तहाँ शांत हो गए। इतना ही तो टेक्निक है कि मन को शांत करने का तरीका ये है कि विषयों में जो इंद्रियां उसको ले ले करके जा रही हैं वहाँ ले जाना बंद कर दो, कि भाई अभी कहीं नहीं जाएगा, हो गया बहुत तुम लोगों के साथ गया, अब थोड़ा इसको भी चैन से रहने दो। जहाँ बुद्धि ने कड़क रुख अपनाया और मन को भी कहा कि तुम भी खबरदार, कर लिया जितना तुमको करना था, तो फिर इंद्रियों को घर के दरवाजे से वापस कर दिया, इंद्रियों के जो अभिमानी देवता हैं उनको नमस्कार कर लिया कि भैया आप लोग, क्योंकि यही लोग तो करते हैं, आवत देखें विषय बयारी ते हठी दें कपाट उघारी, इसमें बड़ा रोल उनका है, उन देवताओं का, क्योंकि देवताओं को भी विषय भोगना है, वो विषय कैसे भोगेंगे, तो उनके आँख कान नाक, आपके आँख कान नाक का फायदा वो ले रहे हैं, जैसे आपकी सरकार कमा आप रहे हैं, सवेरे से जा करके टेबल कुर्सी पे बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी दर्द करवा रहे हैं, है ना, गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, लेकिन एक के बाद एक फाइल देखते जा रहे हैं, ये सब करेंगे तो फिर कमाई होगी, कमाई होगी तो टैक्स वाले आ जाएंगे कि इतना हमको दो, जीएसटी काट लेंगे। अब जब ये जीएसटी कट जाएगा किसके पास जाएगा, ये जाएगा सरकार के पास, सरकार उससे अपना गाड़ी बंगला कार ये वो सब व्यवस्था बनाने में खर्च करेगी, कभी कभी हमारे लिए भी दे देगी जरूरत पड़ने पर। ऐसे ही ये जो इंद्रियों के अभिमानी देवता हैं इनको भी विषय भोगना है, तो ये विषय आपके माध्यम से भोग रहे हैं, इसलिए वो बिल्कुल होने नहीं देते, जैसे ही आप मना करते हैं कि भाई ये अब नहीं होगा, सरकार चाहती है कि ये योजना बंद कर दें, लेकिन उस योजना में जो लोग काम कर रहे हैं वो हड़ताल कर देते हैं कि ना हम बंद होने नहीं देंगे, हम कैसे बंद होने देंगे, अगर बंद होने देंगे तो हमारा क्या होगा। उसी तरह से ये देव देवता हैं, ये देवता भी बगावत कर देते हैं और इसीलिए व्यक्ति परेशान हो जाता है, तो उनके लिए भी आपको एक स्पष्ट आदेश निकालना पड़ेगा कि ये नहीं, आप अब हो चुका जितना भोगना था, अनेक जन्मों में आपने बहुत सहयोग किया, आपने भी भोगा हमने भी भोगा, सब बहुत साथ रहा हम लोगों का, लेकिन अब आपका साथ नहीं चाहिए, अब उनका साथ चाहिए, ऐसा निश्चय जैसे ही आपने किया वैसे ही ये सब दुकानदारी बंद हो गई, मन स्थिर हो गया। और जैसे ही मन स्थिर होगा तो जो आत्मा का प्रतिबिंब है, वो जो सरोवर जिसका पानी स्थिर है उसमें ऐसे देखेंगे तो आत्मा का प्रतिबिंब दिख जाएगा, और जब तक उसमें हलचल है तब देखेंगे तो नहीं दिखेगा। इसलिए अशांतस्य कुतस्सुकम्, यहाँ शांत हो गया, जो कर्म फलम त्यक्त्वा युक्तः सह नैष्ठिकीं शांतिम आपनोति, और कामकारेण, जो कामकार है इच्छा रखने वाला वो फले सक्तो अयुक्तः निबद्धते, निबद्ध हो जाता है। अब आगे इतना तो कल की बात है, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्। अब बात यह है कि जैसे आजकल चुनाव का जमाना है, चुनाव के ज़माने में क्या है कि अब आपको इसको सब लोग पसंद करते हैं, चुनाव की प्रक्रिया को सबने पसंद किया हुआ है। क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि अगर राजतंत्र होगा तो राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा होगा, और इसमें
इसमें जो चाहे वही राजा बन सकता है, तो लोगों को लगता है कि हम भी राजा बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, भगवान ने भेजा है। क्या ऑप्शन दिया है? कि आप राजा बन सकते हो, लेकिन आप राजा न बन के नौकर बने हुए। राजा कैसे बन सकते? कहा आपको एक पूरा किला दे दिया, एक किले के अंदर आपको बैठा दिया। ये किला कौन सा है? कहा यही देह है, जो हमारा शरीर है, यही एक बहुत बड़ा किला है, पुर है। इसी पुर में जो सोता है उसी का नाम तो पुरुष है। तो हम पुर में आ गए, पूरा गांव है हमारा, और इसमें 9 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे पर पहरा लगा हुआ है, बड़ी सब व्यवस्थित व्यवस्था है, सब कुछ एकदम टेक्निकली साउंड है, कोई कमी नहीं है। अब इसके अंदर आपको भेजा गया, अब क्या हो रहा है? होना ये चाहिए था कि सिंहासन के ऊपर बैठ करके आप कड़क शब्दों में सबको आदेश देते, ए भाई उत्तर के दरवाजे वाले ऐसा करो, ए भाई पश्चिम के दरवाजे वाले आप ऐसा करो। होना ये चाहिए था। अब हो क्या रहा है? पश्चिम के दरवाजा वाला, अरे महाराज आपको ये करना चाहिए। अच्छा अच्छा करता हूँ, चिंता मत करो। महाराज आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अरे चलिए जल्दी। अच्छा अच्छा भैया रुको, करता हूँ। आप वही आदेश दे रहे हैं, और हम क्या सोच रहे हैं कि हम तो अकेले हैं, ये तो बहुत हैं, अगर हम नहीं मानेंगे इनकी बात तो बड़ा बगावत हो जाएगी। बगावत नहीं होगी, आप राजा हो, आप अकेले सब पे भारी हो, आप अपने राजत्व का अनुभव तो करो। तो राजा जो है उसके पास राज्य है, अधिकार है, जिसको चाहे सस्पेंड कर दे, जिसको चाहे बर्खास्त कर दे, यहां तक कि मृत्युदंड भी दे सकता है, उसके पास राजदंड है। अब इतने बड़े अधिकार लेकर के जो बैठा हुआ है वो सोचे कि बहुत सारे लोग हैं, उसके पास सेना काहे के लिए, दमन कर दे। इसलिए राजा राजा ही, लेकिन जब राजा ही धमक में आ जाए तो कोई क्या करेगा। तो सर्वकर्माणि मनसा सन्यास्ते सन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे रम्मे। वशी माने जो सबको, सारी इंद्रियों को अपने वश में रखे, उसका नाम है वशी, सही राजा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये नव द्वार का जो पुर है, नहीं पहले पहले का लाइन का अर्थ है सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य, सभी कर्मों को, सभी कर्म माने अलग अलग इंद्रियों के, जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, तो ज्ञान भी एक तरह का कर्म है यहाँ, क्योंकि विषय का ग्रहण करता है तो ग्रहण करना भी एक कर्म है, और कर्मेंद्रियां तो कर्मेंद्रियां ही हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और कर्मेंद्रियों के माध्यम से सर्वकर्माणि, जितने भी कर्म हम कर सकते हैं वो सब आ गए इसमें। मनसा सन्यस्य, इनको आदेश इंद्रियों को देता कौन है? ये मन देता है, क्योंकि भोगने वाला मन है, यही चाहता है कि ये हो जाए, तो बुद्धि को कहता है, तो बुद्धि जो है आदेश पारित कर देती है कि भाई राजा साहब ये चाह रहे हैं। लोग पूछते हैं कि इसका औचित्य क्या है? कहा राजा चाहता है बस, औचित्य क्या है, जो चाहते हैं वो करो। तो मन जो है वो राजा बन करके बैठा हुआ है, जबकि राजा किसको होना चाहिए था? मन जिसका है उसको राजा होना चाहिए था, मन तो उसका चेहरा है, तो वो राजा ना बन के मन राजा हो गया। जैसे जो कमज़ोर राजा होते हैं उनके जो सचिव होते हैं वही पूरा राज करने लगते हैं, जो कमज़ोर मुख्यमंत्री होता है उनके मुख्य सचिव ही सारा देश प्रदेश चलाने लगते हैं, और उनको अपना कहते हैं आप निश्चिंत रहिए, उद्घाटन उद्घाटन करते रहिए, दिखावा करते रहिए, सारे सूत्र अपने हाथ में शासन के ले लेते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आत्मा है उस आत्मा को पीछे धकेल दिया और नकली राजा बन करके मन खड़ा हो गया है,
कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे तृप्त करो। सो कही मोह ही चले से निंदरी, जाने से नहीं मरम सठ मोरा। अगर कोई मन की परे जाना भी चाहता है तो मन खड़ा हो जाता है, मोह ही निंदरी, मेरी उपेक्षा करके आगे जा रहा है, अभी तुझे दिख चखाता हूँ। वो अंदर जाने नहीं देता, राजा साहब को पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है, जाने नहीं देते। राजपुरुष जो होते हैं वो राजा के पास जाने नहीं देते लोगों, उनका ये स्वभाव होता है। वो क्यों? क्योंकि स्वयं राजा बनना चाहते हैं। जब नौकर जो हैं या सहयोगी मुख्य व्यक्ति के पास तक सूचनाएं जाना बंद कर दें या व्यक्तियों को भेजना बंद कर दें तो समझ लो कि यह स्वयं राजा बन रहे हैं, अन्यथा हर सूचना उनको देनी चाहिए और जो निर्णय आया उसको पालन करना चाहिए। लेकिन ये स्वभाव होता है तो ये स्वयं राजा बनने लग जाते हैं। वही तेनाली रामन की कहानी है कि तेनाली रामन गए राजा के यहाँ, विजयवाड़ा के राजा के यहाँ, तो अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। वो चाहते थे कि हम अपनी बुद्धि प्रतिभा का प्रदर्शन करके कुछ इनाम इनाम कमाएं, घर में गरीबी दूर करें। लेकिन राजा के पास पहुँचे तब ना, राजा तो बड़ा गुणज्ञ था, गुण का सम्मान करने वाला था, तो फिर उन्होंने सोचा क्या करें। महीनों आते रहे कि राजा के पास जाने दो, लोग आए खबरदार इधर नहीं जा सकते। तब महीनों आते 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 थोड़ी बहुत पहचान हुई, तो एक उनको तो पता नहीं था कि क्या होता है, तो एक नौकर ने जो द्वारपाल था उसने बुलाया, कहा इधर आओ, तुम बहुत दिन से भटक रहे हो, क्या बात है? बोले हम राजा के पास जाके अपना हुनर दिखाना चाहते हैं। कहा कि ये हो सकता है? कैसे हो? घूस कोई अपने से थोड़े देता है, ऑफिस वाले बताते हैं कि ऐसा करो तो हो जाएगा, कोने में ले जाकर। तो वो कोने में ले जाके बताने लगा कि अगर अंदर जो मिले उसमें से कुछ भाग दो तो हम अंदर भेज सकते हैं। कहा कुछ भाग कहते हो? हमें तो भेज दो तो हम आधा दे देंगे। कहा आधा? ठीक है, अब आप आज राजा के पास जाएंगे, तैयार रहिए। और उसको घुसा दिया, बिना किसी अपॉइंटमेंट के घुसा दिया। कहा महाराज इतने बड़े विद्वान हैं कि हम इनको ले आए हैं। राजा खुश हो गए, विद्वान के प्रेमी थे, दुनिया भर की बातचीत किया, बहुत प्रसन्न हो गए तेनालीराम के ऊपर। कहा भाई मोह मांगा, इनाम तुमको मिलेगा, बोलो। तेनाली रामन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज 100 कोड़ा हमको लगा दीजिए। हाँ क्यों, ऐसा ऐसा तो आज तक किसी ने मांगा नहीं, तुम ऐसा क्यों मांग रहे हो? कहा महाराज 100 से ज़्यादा की हमारी क्षमता नहीं है। कहा बात क्या है, पूरी बात बताओ, क्या कहना चाहते हैं? कहा महाराज अंदर आने के लिए आधे आधे पे हमारा मामला तय हुआ है कि जो मिलेगा उसका आधा। तो इसलिए पहले ये हमारे जो द्वारपाल हैं आपके, इनको 50 पहले दे दीजिए एडवांस, फिर हमको 50 दीजिए। तब राजा को पता चला कि ये हो रहा है हमारे यहाँ। तो क्या होता है कि जो राजपुरुष होते हैं वो स्वयं राजा बनने की इच्छा करते हैं, ऐसे ही मन जो है ये राजपुरुष है, राजा नहीं है, लेकिन ये राजा बन करके व्यवहार कर रहा है, सारी शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया है इसमें, और खुद ही राजा बन गया है, खुद ही आत्मा बन गया है कि बस हमको संतुष्ट करो, बाकी मतलब नहीं। अब उसी को हम लोग संतुष्ट कर रहे हैं, मेरा मन ये नहीं कहता है, मेरा मन ये नहीं करता है, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन ये कर रहा है, जो मन कर रहा है वही कर रहे हो आप। तो मन जो करे कहे वो करने की बात नहीं है, वो तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। मन मन है, मन क्या करेगा? जो कर्तव्य है वो किया जाएगा कि जो मन कहेगा वो करेगा, किसी के कहने से थोड़े होगा। हमारा कर्तव्य क्या है वो हम करेंगे, जो करना उचित है। तो ऐसी परिस्थिति में सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, इसलिए इंद्रियों से संन्यास लेने से कुछ नहीं होगा कि आप आंख बंद कर लो और हो गया। आंख बंद कर लोगे कि अब नई रूप देखूंगा तब क्या होगा, अंदर ही रूप दिखने लगेगा, जो अभी तक देखे हैं उन वो दिखने लगेंगे। सूरदास जी महाराज ने आंखों में सूजा घोंप लिया था, तो घोंप लेने से थोड़े होगा, कान बंद कर लोगे अंदर ही गूंज सुनाई देने लग जाएगी। इसलिए इंद्रियों से रोकने से कुछ नहीं होगा, उनका जो सरगना है
उस सर्गना को आपको रोकना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अगर परमार्थदर्शी बनना है, अगर शांत होना है, शांति प्राप्त करना है, तो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, सबसे पहले मन को सब कर्मों से संन्यास दिलाओ, उसको संन्यासी बनाओ। इसलिए कहते हैं ना कि मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, बाहर बाहर रंगा रहा मन तो रंगा ही नहीं रहा। मन को रंगाओ तो कुछ मामला बने, तो मन को संन्यास दिला है, समझे स्वामी जी? शरीर को संन्यास नहीं देना है, संन्यास मन को देना है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, इससे क्या होगा? आस्ते सुखम वशी, फिर सब चीज़ें आपके वश में आ जाएंगी। जैसे मन की शक्ति को आपने कमज़ोर किया तो आपकी शक्ति प्रकट हो जाएगी, आप वशी हो जाएंगे, सब आपके वश में हो जाएंगे कि जिस हुजूर, हम तो समझते ही नहीं थे कि आप असली मालिक हैं, हम तो इन्हीं को मालिक समझते थे, इसीलिए इनका आदेश पालन करते थे, हमारा कोई दोष नहीं है, आप जो कहेंगे हम करेंगे, हम तो मालिक का आदेश बजाने के लिए ही हैं। अब मन का आदेश बजाने वाले लोग अब आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि आप आदेश दीजिए, तो इसका मतलब अब आप वशी हो गए, अब आप राजा हो गए, असली राजा। तब क्या होगा? नवद्वारे पुरे देही, ये जो देही है यही वशी हो गए। नवद्वार के पुर में ये जो देही है, देह में रहने वाला चेतन, नैव कुर्वन नकारयन, अब वो कहता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आशा मत करिए, कोई आदेश हम नहीं करने वाले। कहा क्यों? कहा मैं जब कुछ करता ही नहीं हूँ तो करवाऊँ कैसे? जो कुछ करता है वही करवाता है। कैसे करवाता है? जो कुछ करना है, असल में तो हम ही को सब कुछ करना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि दो परिस्थिति हमारे साथ बनती है। एक परिस्थिति ये बनती है कि हम आलसी हो जाते हैं। आलसी होने से क्या होता है? फिर हम कहते हैं हमारा जो काम है वो अरे भाई तुम कर देना। आलसी होने से हम किसी से करवाते हैं उसी काम को, अन्यथा करना तो हमको था। तो एक तो आलस प्रमाद, और दूसरे हम काम बढ़ा लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही कर्मी हो जाते हैं, ज़्यादा ही रजोगुण बढ़ जाता है। तो ज़्यादा रजोगुण बढ़ेगा तो हम ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ये काम भी फंसा लिया, वो काम भी फंसा लिया, वो काम भी फंसा लिया। अब जब ज़्यादा काम हो जाएगा तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे तो सीमित हाथ, सीमित पैर, सब सीमित है। तब क्या करेंगे? तब हम नियुक्त करेंगे लोगों को कि तुम करो हमारे लिए, तुम करो, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, तब हम करवाने वाले हो जाएंगे। तो हम करता हैं, कर्ता होने के कारण दो परिस्थिति में हम करवाने वाले हो जाते हैं, माने प्रेरिता, कारयिता हो जाते हैं, कर्ता से निच प्रत्यय होकर के कारयिता हो गए हैं। असल में कर्ता जरूरत नहीं है, लेकिन दो परिस्थितियां हमने बताई, उन परिस्थितियों के कारण हम कारयिता हो जाते हैं। तो कर्ता ही कारयिता होगा, कारयिता अलग से नहीं आएगा, वो कर्ता ही कारयिता बनेगा परिस्थिति बस। तो जब हम करते ही नहीं है कुछ, तो कारयिता भी कैसे बनेंगे, करवाएंगे भी कैसे? कर्ता में ही तो निच होगा। हाँ, कर्ता में ही निच हो के कारयिता बनेगा, बिल्कुल सही। जब हाँ जब क्री धातु में कर्तृत्व आएगा तब उसमें निजंत होकर कारयिता बनेगा, जब करता ही नहीं है तो निच प्रत्यय होगा कहाँ, और निच प्रत्यय जब होगा नहीं तो कारयिता बनेगा नहीं। बहुत सुंदर ढंग से बता दिया इन्होंने, कल भी इन्होंने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया था, कौन सा था? बहुत ही सुंदर था वो, कल नहीं परसों, तो याद करना आप, बहुत अच्छा था। तो कर्ता ही कारयिता बनेगा, तो नैव कुर्वन न कारयन, जब कर्ता ही नहीं है तो करवाएगा क्या? तो आत्मा कर्ता नहीं है। अब कर्ता क्यों नहीं है? कर्ता इसलिए नहीं है क्योंकि वो भोगता नहीं, करेगा उसको जिसको भोगने की इच्छा,
भोगने की इच्छा किसको होगी? जिसको बुभुक्षा होगी। खाने की इच्छा किसको होगी? जिसको भूख होगी। भूख होने का मतलब कि मेरे पेट में खाली जगह हो गई, भरा नहीं है मेरा पेट। और जिसका पेट भरा ही है उसको खाने की क्या जरूरत है? उसको खाना कोई दे भी तो नहीं खाएगा। तो इसी तरह से जब हम में अपूर्णता का भाव आ जाता है कि मैं कम हूँ, मुझे अभी ये चाहिए, मुझे अभी ये चाहिए, तब हम कुछ करते हैं ताकि वो वस्तु हमको प्राप्त हो जाए। और जब हम आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि मैं तो पूर्ण हूँ, अपूर्ण हूँ ही नहीं। तो जब पूर्ण हूँ तो मुझे किसी काम को करके अपनी अपूर्णता को पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए आत्मा पूर्ण होने के कारण, नित्य तृप्त होने के कारण अकर्ता हो जाता है, अकर्ता होने के कारण अकारयिता भी हो जाता है। तो नैव कुर्वन् नकारयन्। नवद्वार के पूर्व में भी रहेगा तो भी, माने ऐसा नहीं कि मर जाने के बाद की बात, जो सूक्ष्म शरीर है उसमें नवद्वार नहीं है, स्थूल शरीर में नवद्वार। तो ये नवद्वार पुर जो है, वैसे तो वो भी पूरा है, सूक्ष्म शरीर भी पूरा है, लेकिन उसमें अनुभव अनुभव है, उसमें ये छिद्र नहीं है जिससे विषय अंदर आए, संवेदना केवल है उसमें। स्वप्न में जो देखते हैं, स्वप्न में जो देखते हैं, क्या देखते हैं? कुछ भी दिखता है स्वप्न में। स्वप्न में जो दिखता है वो प्रतिभास है, वो भोग नहीं है, प्रतिभास है, माने अनुभूति केवल होती है, वहाँ पर भोग नहीं होता है। स्वप्न में अगर आप देखें कि 3 साल तक हम परमहंसी गंगा आश्रम में रहे, रोज़ वहाँ हलवा खाते थे, पूड़ी खाते थे, रोज़ केसर का दूध पीते थे, और ऐसा देख करके सवेरे उठे हैं, तो आपका शरीर जो है हृष्ट पुष्ट नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो जो खाना था वो सब केवल आभास मात्र था। जैसे मोबाइल में आभासी दुनिया है, ऐसे ही वो भी आभास है, उसका फल नहीं है। इसलिए वहाँ पर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें नवद्वार नहीं है ना। नवद्वार का मतलब स्थूल शरीर। तो नवद्वारे पूरे देही, माने अगर स्थूल शरीर में भी वो देही विद्यमान रहा जीव, तो भी नैव कुर्वन् नकारयन्, माने वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया, आत्मबोध उसको हो गया, अब वो कर्ता का रहिता नहीं रहा, तो ना कुछ करता है ना कुछ करवाता है, आनंद में लीन रहता है, जीवन मुक्त। इसका मतलब है कि जीवन मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब यहां पूर्व पक्ष उठा दिया। यहां पर जो कह रहे हैं कि सन्यस्य, ये जो सन्यासी विशेषण दे दिया, ये सन्यासी विशेषण देने की जरूरत क्या थी? नवद्वारे पुरे देही, नवद्वार के पुर में देही रहता है, सन्यासी का देही भी रहता है और असन्यासी का भी रहता है। तो सन्यासी हो चाहे असन्यासी हो, जितने भी जीव हैं वो सब शरीर में ही रहते हैं, इसलिए जीव का विशेषण सन्यासी देना कहाँ तक उचित है? तो बताया कि उचित इसलिए है क्योंकि जो ज्ञानी जीव है और जो अज्ञानी जीव है, दोनों में अंतर है। जो अज्ञानी जीव है वो शरीर और इंद्रियों का जो संघात है उसी को आत्मा समझता है, और जो ज्ञानी है उसके उसकी समझ में अंतर है। ज्ञानी जो है वो शरीर में, जैसे हम घर में रहते हैं उसी तरह से आत्मा शरीर में रहता है, ऐसा मानता है, माने घर अलग है हम अलग हैं लेकिन हम घर में रहते हैं। इस तरह से जब हम शरीर माने देह और देही दोनों को देखने लग जाते हैं कि देह अलग है, देह एक घर है,
इसी के अंदर देह ही रहता है, मैं रहता हूँ, तो मैं देह से व्यतिरिक्त हूँ, अतिरिक्त हूँ, ऐसा समझता है जो, वो क्या समझता है, वो ज्ञानी है। और जो अज्ञानी है देहेन्द्रिय संघात मात्रात्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमो आसने वा आसे, मैं आसन में बैठा हुआ हूँ, तो जैसे एक आसन है और उसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा शरीर है, ऐसे ही देह देही का संबंध है, देह में देही रहता है, यहाँ अधिकरण है, तो जो देही जो है वो देह में रहता है, तो जैसे हम कटे आस्ते, जैसे हम चटाई पे बैठते हैं, तो चटाई है और हम हैं, दोनों दो हैं लेकिन दोनों का संबंध है, चटाई हमारा अधिकरण है, अथवा भूमि पर हम बैठे हैं, चबूतरे पर बैठे, चबूतरा हमारा अधिकरण है और हम चबूतरे में हैं, उसी तरह से मैं देह में रहता हूँ, तो देह भी एक है और हम भी हैं, दोनों भौतिक हैं और दोनों का साथ है, ऐसा अज्ञानी समझता है। और ज्ञानी, ज्ञानी ये समझता है कि ये देह तो जड़ है, घर की तरह से है और मैं चेतन हूँ, इसलिए मेरा और इसका मेल नहीं है, तो दोनों में अंतर है। देहादि संघात से भिन्न मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, शरीर में रहता हूँ, इस तरह से ज्ञानी समझता है। और अज्ञानी, अज्ञानी समझता है कि जैसे घर वैसे मैं, जैसे मैं वैसे घर, जड़ चेतन का मिश्रण, मैं भी हूँ और मेरा शरीर भी जड़ चेतन का मिश्रण है। पूर्व पक्ष है, है? नहीं, पूर्व पक्ष भी बताए, उत्तर पक्ष भी बताए। पूर्व पक्षी ने ये कहा कि सन्यासी विशेषण यहाँ क्यों दे रहे हैं, देने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि जितने भी देही हैं देह में ही तो रहते हैं, तो उसको सन्यासी कह करके क्या कहना चाहते हैं, तो कहा इसलिए यहाँ विशेषण देना जरूरी हो गया, नहीं तो अज्ञानी का जो आत्मा है उसको भी समझ लिया जाता, तो अज्ञानी का आत्मा क्या है, अज्ञानी का आत्मा देह ही है, देह इंद्रियां मन इन सबको ही वो आत्मा समझता है, वो मन को आत्मा समझ रहा है, आत्मा मन से परे है, तो मन से परे वाले जो आत्मा को है उसको तो भूल गया और मन को ही आत्मा समझ लेने वाला है, इसलिए अनर्थ हो जाएगा, जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं होगा, तो जो मन है वो तो वश करके बैठा ही है, वो तो वशी बना हुआ है, तभी तो आपने कहा कि जो संगत है वो देह है, संगत माने शरीर रूप से, तो शरीर में कुछ प्राप्त होगा है, यहाँ से भी पूछेंगे तो वो इंद्रिय रूप से ही प्राप्त होगा, उसका एक संगत देह शरीर हुआ, तो ये संगति तो मन में बैठती है, वो पांचों तत्वों से बना हुआ एक वो है, तो उस मन रूपी देह में जो बैठा है वो आत्मा है कि ये इस स्थूल को आत्मा कहते हैं, यही भ्रम हो रहा है कि जो शरीर और इंद्रियों का संघात है, उस संघात में जो बैठा है मन, उसी को आत्मा समझ रहे हैं, और जबकि समझना ये है कि उस वो जो देह है वो तो खोल है, उसके अंदर आत्मा है, इसीलिए जो पांच कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, तो मनोमय एक कोश है, खोल है वो, तो अभी मनोमय में अंदर आत्मा है, उसमें भी आनंदमय, विज्ञान में कोश, उसके भी अंदर अभी कोश है, तो ये मन जो है ये आत्मा नहीं है, बल्कि मन भी एक तरह का घर है, आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, वो भी संगत है, ये वो भी संगत है, तो इसी बात को साफ करने के लिए ये प्रश्न उठाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मन को ही आत्मा समझ करके सब व्यवहार करने लग जाएं, तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए सन्यासी यहाँ करना पड़ गया। राजा आत्मा है, बिल्कुल सही है। अब एक दूसरा प्रश्न उठा रहा है, कह रहे हैं कि गमन करने वाला जो है, उस गमन करने वाले की जो गति है, वो गमन रूप व्यापार का त्याग कैसे कर सकती है,
गमन करने वाली की जो गति है, वो जो उसका गमन रूप व्यापार है, पैर उठाना रखना, पैर उठाना रखना, इसका त्याग कैसे कर देगी? जैसे ही त्याग करेगी वैसे गति समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से आत्मा में जो कर्तृत्व अवकारयित्व है, वो आत्मा के नित्य संबंधी होने से आत्मा के नित्य संबंधी होते हुए ही संन्यास से नहीं रहते। माने आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव कैसे छोड़ देगा, ये कहना है। गमन व्यापार परित्यागे न स्यात् तद्वत् किं वा स्वतैव आत्मनो नास्ति। तो जो कर्तृत्व और कारयित्व है, ये स्वभाव है। जैसे गति का क्या स्वभाव है? गमन रूपी व्यापार। गमन रूप व्यापार करेगा तो गति है, नहीं करेगा तो गति नहीं, काम खत्म। ऐसे ही जो आत्मा है उसका क्या स्वभाव है? कर्तृत्व और कारयित्व। मैं हूँ इसका पता कैसे चलेगा? जब कुछ करेगा तभी तो पता चलेगा। तुम कहाँ हो? तो जब बच्चा बोलता है कि मैं हूँ, यहाँ हूँ, तभी तो पता चलेगा कि है। तो उसी तरह से जो कर्तृत्व और कारयित्व है, ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव, आत्मा अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। जैसे स्वभाव छोड़ेगा वैसे आत्मा तो भी उसका खंडित हो जाएगा। निमित्त जो है वो करता हो, हाँ ठीक है, निमित्त जो है वो करता है, और उपादान जो है वो कर्म है, वस्तु है, कर्ति कर्म यहाँ मिल गए। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा का जो करने का स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण ही तो आत्मा की अभिव्यक्ति हो रही है, नहीं तो कैसे होती? आत्मा की अभिव्यक्ति हो रही है ना, अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि, ऐसी अभिव्यक्ति हो रही है। मैं हूँ ऐसे बार बार आवर्तन हो रहा है। जैसे ही आप अपनी तरफ देखोगे आपको यही आवाज़ आएगी कि मैं हूँ। तो वो तो सत्ता रूप से हो रहा है। हाँ, तो सत्ता रूप से, अब उसी सत्ता को ये क्रिया मान ले रहा है, क्रिया मान करके ये प्रश्न उठा दे रहे हैं कि साहब आत्मा का जो कर्तृत्व और कारयित्व का स्वभाव है, उस स्वभाव का क्या होगा? जैसे ही वो स्वभाव छोड़ेगा उसका आत्मत्व तो खत्म हो जाएगा, यही तो प्रश्न उठा रहे हैं। इसीलिए गति का उदाहरण दे रहे हैं कि गति जो है वो गमन रूप व्यापार से ही है, अन्यथा गति नहीं कही जाएगी। तो उस पर भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ना ना ना, अत्र उच्यते नास्ति आत्मन स्वतः कर्तृत्वं कारयित्वं च। ये जो आत्मा में तुम कर्तृत्व और कारयित्व की कल्पना कर रहे हो, एतन्नास्ति, ये नहीं है। आत्मा न करता है और न कारयिता है, और इसके लिए वेदों का प्रमाण दे दिया, अभिकारियो यमुच्यते शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ध्यायतीव लोलायतीव बृहदारण्यकोपनिषद् इति च श्रुतेः। श्रुति आत्मा के स्वरूप के संबंध में ये कह रही है, वो कर्ता नहीं है, कारयिता भी नहीं है, इसलिए आपको ये भ्रम हो रहा है। का भैया और समझाइए, क्योंकि हम लोगों को तो यही है कि आत्मा कर, अरे आत्मा ही तो इच्छा कर रहा है। अब इच्छा कर रहा है मन, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि हम इच्छा कर रहे हैं। कोई कोई बोल रहा है कि मेरा मन कर रहा है, लेकिन कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा हो रही है। उदाहरण दिया लीला यति, हाँ, स्त्रीलिंग वाले हैं, माया की तरफ ले जा रहे हैं, वो करवा रही है। ये
इव लगा देना पड़ता है, इव लगा देने से सब काम बन जाता है। ध्यायतीव लेलायतीव इव, खाता हुआ सा पीता हुआ सा दिखता है। जो मूर्ख है वो खाता हुआ दिखता है, और जो विद्वान है वो खाता हुआ सा दिखता है। बस इतना ही, इतना ही इव लगा दिया, इव लगाने से सारा अर्थ संगत हो जाता है। आवाज पे चला है। दोनों के करने में यही अंतर है ना। वो गुस्सा करता हुआ दिखता है, वो गुस्सा करता हुआ सा दिखता है। गुस्सा करता नहीं है, करता हुआ सा। तो ऐसे ही आत्मा जो है करता नहीं है, करता हुआ सा दिखता है। असल में करता मन है, उसी मन के कर्तृत्व को हम अपने आत्मा पे आरोपित कर देते हैं, और इसीलिए कहते हैं क्या बंदर है। इसी बात को और साफ अगले श्लोक में कर रहे हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते, है ना। जो स्वभाव है उसको समझ लीजिए, जो प्रवर्तित हो रहा है वो सब स्वभाव है। न कर्तृत्वं न कर्माणि, जो आत्मा है ना, इसमें कर्तृत्व नहीं है, और न कर्माणि कर्म भी नहीं है। प्रभु जो आत्मा है वो कर्तृत्व नहीं है। कुरु इति, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इलाज करो महाराज, आदमी सब बांदरा बना हुआ है, इलाज दवाई नहीं। गाड़ी बुलाए थे, साफ करी तो गए, गाड़ी देखने वो आई नहीं आसपास, अंदर पा के गाड़ी देख के सब समझते हैं। तो न कर्तृत्व, आत्मा जो है वो आदेश नहीं देता, एवं कुरु एवं कुरु एवं कुरु, और न कर्माणि, न तो उसका करने का कुछ है और न उसका कर्म है, माने फल, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसा करो, ऐसा करते करते फिर एक चीज़ बन जाएगी, वो जो चीज़ बन गई वही कर्म हो गई, फल हो गया। तो करने से जो चीज़ उत्पन्न होती है उसी का नाम कर्म हो गया। कर्म क्या है? का कर्ता जो है, कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्तु क्या है, कर्तु रीप्सित तमम कर्म, कर्ता जो है वो क्रिया के द्वारा जिसकी सबसे ज़्यादा अभिप्सा करता है उसी का नाम कर्म है, है ना। तो जो कर रहा है उससे कुछ उत्पन्न होगा। महाराज जी, उसका पर्यवसान तो कर्ता में होगा, कर्म का फल का। ठीक है, तो कर्ता ही तो भोक्ता बनेगा ना, जो चीज़ बनेगी। अब आप जो है मिर्ची काट के अदरक काट के जो बघार लगाएंगे स्वाभाविक है कि आपका हक होगा उसको खाने पर। ये इसी के स्पेशलिस्ट हैं, इसीलिए हमने इनको बताया, इसीलिए ये ज़्यादा खुश हो गए। जब हम लोग भोजन बनाते थे काशी में, उपाध्याय जी महाराज भी थे, तो उस समय एक बराबर अदरक के टुकड़े बहुत करीने से काट, नहीं और मिर्ची ये सब बहुत, मैंने ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे ऐसे जल्दी से काट लिया, एक एक करीने से उसको। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम,
न कर्ता कर्तृत्व है, न कर्म का फल है और न कर्म के फल के साथ उसका संबंध है। पूरी परंपरा गिना दिया, ये सब कुछ भी नहीं है। तब फिर क्या है, फिर कैसे ये सब हो रहा है? जब आत्मा ये सब कर ही नहीं रहा है तो फिर कैसे हो रहा है? का स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव कर रहा है, वो भी कर नहीं रहा है, हो रहा है। प्रवर्तते करोति नहीं का, ये जो स्वभाव है यही कर रहा है। स्वभाव क्या है? स्वभाव स्वभाव, जो अपना भाव है उसी का नाम स्वभाव है। अपना भाव कैसे आएगा? अपना भाव तब आएगा अहम अस्मि, ये अहंकार उत्पन्न हो जाए। जब अहम अस्मि तो मैं हूँ पहले ये भाव आएगा, तभी ना इसी का भाव स्वभाव हुआ ना। अपना अनुभव तो हो, अब अपना अनुभव हो गया तो फिर अपना अनुभव होने पर मेरे हाथ कहाँ हैं, मेरे पैर कहाँ हैं? अगर मैं हूँ तो ये सब मेरा होना चाहिए ना, तो मेरे सब कुछ आ गया। ये सब स्वभाव है, वहाँ से सब जुड़ता चला जा रहा है। अब मैं हूँ इसका एहसास हमको हो गया, देखा कि हाँ हाथ भी है, पैर भी है, पेट भी है, पीठ भी है, ये भी है, वो भी है, सब है। अब ये स्वभाव हो गया। ये जो अहंकार हुआ, उस अहंकार के कारण जितना ये सब कुछ हुआ, ये क्या है? ये अहंकार आया क्योंकि माया आ गई। त्रिगुणात्मिका माया जब आई तब उससे अव्यक्त जो है वो महत्तत्व में परिणत हुआ और महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हो गया। तो अहंकार ही इसकी जड़ है, वही स्व है। तो जो स्व है उसका जो भाव है सब स्वभाव है, तो ये माया का किया हुआ है, इसीलिए किया नहीं है किसी ने। प्रवर्तते, पर्दा लगा हुआ है दीवार के ऊपर और आ गए, अब मशीन आ गई, मशीन ने उसके ऊपर लाइट डाली और सामने एक रील रख दिया, वो घूमने लगी और उधर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, सब हो रहा है, द्वेष घृणा राग द्वेष सब कुछ जो कुछ है सब हो रहा है। लेकिन वो पर्दा कुछ कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है, तो जैसा का तैसा ही है। और उसी पे पूरी कहानी तीन चार पीढ़ी की दिखा दी है। तो ये जो तीन चार पीढ़ी की कहानी दिख गई, ये किसने दिखाया? पर्दे ने दिखाया? पर्दे ने ना तो देखा ना तो दिखाया, वो कुछ करता ही नहीं है, वो तो बर है। और उसी पर वो जो लाइट थी और वो जो रील थी, दोनों ने मिल करके ऐसा माहौल बनाया कि कोई लोग रोने लगे, कोई लोग हंसने लगे, कोई लोग पछताने लगे, कोई गुस्सा होने लगे कि नहीं नहीं गड़बड़ है, बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये सब भावना आपकी उत्पन्न होने लगी, और जबकि वो कुछ नहीं रहा। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है, न करोति न कारत कारयति, ये तो हो रहा है, स्वभाव से हो रहा है। ये स्वभाव क्या है? स्वभाव स्वभाव अविद्या लक्षणा प्रकृति माया प्रवर्तते। इसीलिए वेद कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, एषा दुरत्ययी मम माया, यही सब कुछ कर करवा रही है। वस्तुतः आत्मा न तो कुछ करता है और न तो करवाता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम, किसी का पाप स्वीकार नहीं करता, न चैव सुकृतम विभु और न किसी का पुण्य। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अज्ञान नाम की जो चीज है जो है ही नहीं है, ना हो करके भी जो हो गई है बस वही एक चीज है, उसी से मुह्यन्ति जन्तवः, सारे लोग उसी से मोहित बने हुए हैं।
तो ये सब जो किया कराया जा रहा है, जिसके बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं, ये सब अज्ञान का परिणाम है। आत्मा जो है न करता है न कारयिता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ये जो अज्ञान है ये क्या करता है? ऐसा सामने माहौल बनाता है, नाशितमात्मनः, ऐसा लगता है कि इसने आत्मा को नष्ट ही कर दिया। आत्मा को कैसे नष्ट कर सकता है? लेकिन आत्मा के सामने इतना बड़ा पर्दा खड़ा कर देता है, जैसे एक अंकोर वाट में जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह के दरवाजे को उन्होंने बंद कर दिया बौद्ध लोगों ने। दरवाजे को उन्होंने पत्थर लगा के बंद कर दिए और उसी के सामने बुद्ध की मूर्ति खड़ी कर दी। अब जो लोग जा रहे हैं वो बुद्ध की मूर्ति को देख रहे हैं, अच्छा इन्हीं का मंदिर है, ठीक। अंदर महाविष्णु, हाँ, अब अंदर अब कोई समझ ही नहीं, ऐसा बना हुआ है कि गर्भगृह के अंदर गर्भगृह गर्भगृह, किसी को समझ में नहीं आता कि यह गर्भगृह नहीं है। अब उन्होंने किया कुछ नहीं है, अंदर मूर्ति हो भी सकती है, क्यों? क्योंकि दरवाजा ही बंद है। अब उसको जिन लोगों ने बारीकी से रिकॉर्डिंग किया, उन्होंने देख लिया कि इसमें तो अलग पत्थर लगे हुए हैं, अलग समय में चिना गया लगता है, पूरी दीवार अलग है, ये अलग है, इसका मतलब इसके दरवाजे को बंद किया गया है, सील कर दिया। अब सील करके बुद्ध भगवान खड़े होके अब दर्शन दे रहे हैं। तो नाशित आत्मा है, ऐसा दिखाते हैं कि जैसे आत्मा का नाश कर दिया, लेकिन आत्मा नष्ट होता नहीं है। जैसे आदित्य माने सूर्य, बादल आते हैं, बादल आकर के ढक लेते हैं, तो पता चलता है कि सूर्य है ही नहीं, बादल है, लेकिन वो बादल भी सूर्य के कारण ही दिखते हैं। अगर सूर्य पीछे ना हो तो वो बादल भी ना दिखें। तो जिनका अस्तित्व स्वयं सूर्य के ऊपर निर्भर करता है, वो बादल सूर्य को ढकने चलते हैं, यही गजब की बात है ना। ऐसे ही जिनका अस्तित्व, माया का अस्तित्व क्या है, पर्दा ना हो तो कोई चित्र नहीं दिख सकता है, कितना रील चलाओ वो बिखरता चला जाएगा, दूर तक रोशनी जाएगी, बिखर जाएगी अंतरिक्ष में। वो तो पर्दा रहेगा तो उस पर रुक करके तब आपको दिखेगा। तो उसी तरह से ये जो परमात्मा है, ये सत्तावान है, इस सत्ता के ऊपर माया दिख सकती है। तो जिस क्या कहते हैं मूल तत्व के ऊपर ये माया दिखाई दे रही है, उसी को आच्छादित कर दे रही है। तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। सूर्य जो है समस्त रूपों को प्रकाशित कर देता है, उसी तरह से ये भी समस्त ज्ञेय वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान दूत कलुषाह। इसलिए जिसकी बुद्धि परमार्थ तत्व में पहुंच गई, वही ना वही तद्बुद्धि है। जिसकी आत्मा परब्रह्म स्वरूप हो गई, वही तदात्मा है। और जिसकी ब्रह्म में ही निष्ठा हो गई, वो तन्निष्ठ है। और तत्परायणाः, जिसके सिवा दूसरा कुछ सूझता नहीं है, माने आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ ना सूझे, निरंतर आत्मा में जो रत रहे, उसी का नाम तत्परायण है। ये ज्ञान निर्धूत कलमश, ज्ञान से कलमश को जिसने धो पोंछ करके साफ कर दिया, समाप्त कर दिया, ऐसा सन्यासी। अपुनरावृत्तिम, फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। वही कल अपने लोग चर्चा हुई थी ना भागवत जी में कि रिसाइकलिंग, तो ब्रह्मा जी रिसाइकलिंग करते हैं, उसी उसी चीज को बनाते हैं और फिर प्रलय काल में बिगड़ जाती है, तो फिर सृष्टि के आरंभ में फिर उसी को फिर से नया बना देते हैं। रिसाइकलिंग का काम हो रहा है,
तो ये जो रिसाइकलिंग है इसको रोकने का तरीका क्या है? कहा कि जिसको ज्ञान हो गया वो इससे हट गया, अन्यथा इसी में रिसाइकल्ड होता रहेगा, घूम घूम के आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। मिट्टी ही तो है, इसी मिट्टी से कभी मनुष्य का आकार बना दिया, कभी पशु का आकार बना दिया, कभी कुछ बना दिया, बनते ही रहेंगे, चीज वही है। इसी तरह से जो ज्ञानी हो गया वो अपुनरावृत्ति माने देह से उसका संबंध छूट जाएगा, मूल बात इतनी है। जब तक हम देह में बने हुए हैं, माने जैसे गाड़ी चल रही, चलती हुई गाड़ी में अगर हम बैठे हुए हैं तो हम रुक नहीं सकते। हम अपने आप को हजार यूँ कर लें, मैं बिल्कुल पैर नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल हाथ नहीं चलाऊंगा, तो हम रुक जाएंगे। चलती गाड़ी में हम तो बैठे हुए हैं, तो हम रुके भी रहेंगे तो चलते हैं, चल रहे हैं। तो तरीका क्या है रुकने का? भाई हमको नहीं जाना, हमको रुकना है, तो क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर को कहना पड़ेगा कि रुको और किट। जैसे ही बाहर निकल गए वैसे चलती रहे वो गाड़ी, वो गाड़ी फिर लाखों किलोमीटर की यात्रा करेगी, लेकिन आप एक इंच नहीं चलोगे, आपकी यात्रा समाप्त। तो जब तक आप गाड़ी में बैठे हैं तब तक आपकी यात्रा होती रहेगी, गाड़ी से उतरना ही आपकी यात्रा की समाप्ति है। और वो गाड़ी क्या है? यही शरीर, यही हमारी गाड़ी है। इस गाड़ी में जब तक हम बैठे हैं तब तक तो हमारी यात्रा चलनी ही चलनी है, ना चलने का सवाल ही नहीं है। जैसे ही शरीर के साथ हमने अपना संबंध विच्छेद किया, ना हम शरीर रहा, मैं शरीर नहीं हूँ, वैसे ही हमारी यात्रा समाप्त हो गई। जब तक शरीर को अपना मान करके उसमें आप विराजमान रहेंगे, ऐसे ऐसे दिखाएंगे आई एम, तब तक आपकी यात्रा चलेगी। तो यात्रा को समाप्त करने का तरीका यह है कि शरीर के संबंध को आप समाप्त कर दीजिए। आप शरीर नहीं हैं, ठीक है, शरीर का आह्लाद ले लिया गया, लेकिन मैं शरीर हूँ नहीं, रहूँ तो ना रहूँ तो। समझ गए ना महाराज जी? आपने पहले कहा कि स्वभाव चल, स्वभाव से परिवर्तन हो रहा है, अब ये स्वभाव से ऊपर जाना है। स्वभाव से कहाँ ऊपर गए? स्वभाव ही चल रहा है सब कुछ जो है। हाँ, स्वभाव स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है? अहम। अच्छा, यहाँ से स्वभाव, ये भाई स्व माने मैं, है ना? स्वदेश माने मेरा देश, जैसे स्वदेश मेरा देश, वैसे ही स्वजन मेरे लोग, वैसे स्वदेह, वैसे स्वभाव। तो स्व का भाव आया, स्व का भाव माने मेरा, मैं का भाव आया। जैसे मैं का भाव आएगा तब मेरा का भाव आएगा, जब मैं ही नहीं तो काय का मेरा। तो स्व का मतलब है मैं, समज्ञाति धनाख्यायाम स्वम, अज्ञाति धन और आख्या, तीन में है। अज्ञाति धन, अज्ञाति माने जाति रहित, हाँ जाति रहित माने सामान्य, सामान्य समाप्त हो गया, वह विशेष आ गया। तो अज्ञाति माने जाति सामान्य वस्तु है, तो यहाँ स्व हो गया मतलब अब वो जाति नहीं रहा, अब अपने पर विशेष पर बात आ गई, ब्राह्मणत्व आदि से ऊपर उठ के। हाँ नहीं, जो भी जाति है, ब्राह्मणत्व ले लो, मनुष्यत्व ले लो, जो भी ले लो, वो सब जाति से ऊपर उठ गया स्व। एक तो अज्ञाति में हो गया, समज्ञाति धनाख्य धन, स्व माने धन भी होता है, सर्वस्व का त्याग, सर्वस्व में स्व का अर्थ है धन, द्रव्य, है ना? जैसे हम लोगों ने शंकराचार्य सर्वस्व बनाया पूर्णांबा ने, तो ये जो सर्वस्व बनाया ये क्या है? शंकराचार्य जी का सारा धन, उनका धन क्या है? यही ज्ञान ही उनका धन, जो उन्होंने रचना की वही धन है। तो वहाँ धन के अर्थ में सर्वस्व। तो स्वम अज्ञाति धन और आख्या,
आख्या माने नाम, तो अपना नाम करने के लिए स्व शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे नाम हो रहा है, उस अर्थ में स्व शब्द है। तो ये नाम कब होगा? जब हम इकाई बन जाएंगे, जब हम अंश बन जाएंगे, अन्यथा सब में तो हमारा क्या नाम है? नाम की जरूरत नहीं हमको। नाम की जरूरत हमको कब पड़ती है? आई एम और यू आर, मैं अमुक हूँ, आप कौन? अपना नाम बता के तब दूसरे का पूछा जाता है। तो जब दूसरे का पूछना हो तब ना अपना नाम बताने की जरूरत है, नहीं तो नाम की जरूरत क्या है? जब दूसरा है ही नहीं तो किसको बताओगे कि मैं अमुक हूँ? और नाम तो वह है, व्यावर्तन है, विशेषण जो है, विशेषण है एक तरह का नाम, ये व्यावर्तन करता है, तो एक से दूसरे को अलग करता है। राम अलग है, श्याम अलग है, ऐसे दो नाम करेंगे तब राम और श्याम दोनों को अलग अलग बोध होगा, अन्यथा जरूरत क्या है? तो जब आत्मा में द्वैत है ही नहीं है तो नाम की जरूरत नहीं है। ये नाम कब आया? जब अज्ञान आ गया कि द्वैत है। समाज क्या है? ठीक है, तो अविद्या जब आई, अज्ञान जब आया, उसी अज्ञान का ये परिणाम है कि हम स्व का अनुभव करने लग गए, अहम अहम अहम। और जैसे ही अहम अहम आया वैसे मम मम भी आ गए, तो यही स्वभाव है। ये सब अविद्या का कार्य है, आत्मा का कार्य नहीं है। ठीक, इसलिए विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अब कोई भेद नहीं रह गया, आत्मा के प्रति जो अज्ञान था वो नष्ट हो गया, भ्रम जो था नष्ट हो गया। अब आत्मा का ज्ञान पूरा हो गया, तब क्या दिखाई दे रहा है? तब सब परमात्मा में दिखाई दे रहा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जब तक अज्ञान था तब तक मैं मेरा पर पराया, अब सब कुछ एक ही एक दिख रहा है, समदर्शी। आपकी दृष्टि बदल गई, दृश्य वही है, दृष्टि बदल गई। वही महाराज जी उदाहरण दे के बताए थे कि मारवाड़ी जो है घर में पत्नी बच्चे को छोड़कर, गर्भवती स्त्री को छोड़कर के कमाने चला गया, और कई साल के बाद लौटा तो मालदार हो चुका था। तो एक बड़ी धर्मशाला में जाके रुका, गांव चलूँगा कल। और उसी धर्मशाला में बाहर एक स्त्री अपने छोटे बेटे को लेकर के आई, और उसको बड़ी तबीयत उसकी ख़राब थी, खांसी कर रहा था आदि आदि। तो वो जो है बड़ा गुस्सा हुआ कि आप इतना पैसा लेके हमको कमरा दिए हैं, कमरे के बाहर खाऊं खाऊं खाऊं, नींद नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे चल रहा था, भगाओ इनको। और इतने में किसी कारण से वो जो स्त्री थी उसने अपने ससुर का नाम ले लिया। अब इसके कान में पड़ गया, ये तो ससुर का नाम ले रहा है, हमारे पिताजी का नाम ले रही है। कहा बुलाओ जरा कौन है, कहा तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने उसकी पत्नी का नाम बताया। कहा तुम्हारे पति का नाम, तो उसी का नाम बता दिया। कहा ये कौन है, कहा ये उन्हीं का बेटा है, जब वो हम गर्भवती थे तभी चले गए थे। कहा अरे 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 अरे, आहो आहो आहो। अब उसी पत्नी को और उसी बच्चे को जो बीमार था, जिसको भगा रहा था, जिसके कारण नींद नहीं आ रही, अब उसी को अपने कमरे में ले जा करके उसे अपने पलंग पे सुला लिया, और बड़े प्यार से बात होने लग गई, फर्क पड़ गया। तो ज्ञान में और अज्ञान में फर्क होता है। अज्ञान के कारण वो उसको दुत्कार रहा था, और जैसे ही उसका ज्ञान हुआ कि ये तो अपना ही है, वैसे ही सारी दृष्टि पलट गई, दृश्य बदल गया। दृश्य नहीं बदला, दृष्टि बदल गई। तो दृश्य नहीं बदलता है, दृष्टि बदलती है। जब ज्ञान होता है तो दृष्टि बदलती है, दृश्य कैसे बदल जाएगा? उनको ज्ञान हो जाएगा तो ये चौकी जो है खंभा थोड़े हो जाएगी, लेकिन हम इसको देखने की दृष्टि हमारी बदल जाएगी। वही उदाहरण है कि सोनार छोटे बच्चे के साथ रह रहा था,
और छोटे बच्चे को सिखा रहा था सुनारी, तो उसने सब सिखा दिया, ये कंगन है, ये बाजूबंद है, ये करधनी है, ये नाक का बेसर है, ये कान के बाले हैं, ये माथे की बिंदी है, सब सिखा दिया। जी पिताजी, जी पिताजी। और फिर एक दिन बाहर बैठे थे दोनों, ग्राहक आया, बोला थोड़ा सोना चाहिए सोनार साहब। कहा हाँ बिल्कुल लीजिए। बेटे से कहा बेटा जाओ सोना ले आओ। बेटा अंदर गया, थोड़ी देर में बाहर आया, बोला सोना है ही नहीं। पिताजी पिताजी घर में तो सोना है नहीं। सोनार बड़ा घबराया कि कहीं चोरी तो नहीं हो गई। दौड़ के अंदर गया, देखा तो सब चीज़ जहाँ की तहाँ थी। कान पकड़ लिया बेटे का, नालायक, हमको तो धक धक होने लगा था। कहा गलती क्या हुई हमसे? कहा तुमने कह दिया सोना नहीं है। कहा हाँ कहाँ है बताइए। तो कंगन पे हाथ रखा सोनार ने कि ये तो है सोना। बोले हाँ पिताजी आपने कहा ये कंगन है। बाली पे हाथ रखा, ये है सोना। कहा हाँ, कैसी बात करते हैं, ये तो बाली है। जिस जिस गहने पे राम रखा सबका उसने रट गया था, वो जान गया था। उसने कहा ये तो ये है, ये तो ये है, सोना कहाँ है। तब सोनार को ध्यान आया कि अरे मैंने तो इसको मूल बात बताई ही नहीं कि ये सब चीज़ें सोने से बनी हुई हैं। तो माथा अपना पीटा और बच्चे को गोद में लेकर के कहा कि भाई ठीक है, समझ गए बेटा, असल में ये सब सोना है। ये तो आकार प्रकार है, अभी ये है, अभी गला करके दूसरा आकार डाल देंगे तो दूसरा हो जाएगा। जो अभी कंगन है वही कुंडल हो जाएगा, जो कुंडल है वही कंगन हो जाएगा, लेकिन है सब सोना। कहाँ तो ये ऐसे बताइए आप। तो अब क्या है, अब वो जो बच्चा गया है अंदर वो नाम रूप देख रहा है, और जो सोनार गया है अंदर बाप वो तत्व देख रहा है, सोना ही सोना देख रहा है। उसको बाली वाली कुछ नहीं दिख रही, उसको सब सोना दिख रहा है। तो ऐसे ही संसार का दृश्य है, ज्ञानी देखता है नाम रूप वो अज्ञानी, और ज्ञानी देखता है तत्व। तो तत्व क्या है? परब्रह्म परमात्मा ही तत्व है, और कुछ तत्व नहीं है। इसलिए जब ज्ञानी की दृष्टि से देखेंगे तो जित देखो तित श्यामम ही, सर्वम खलवितम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। और अगर अज्ञानी देखेगा कहाँ है भगवान, कहाँ है परमात्मा। पंडित बात बदनते झूठा, पंडित लोग झूठ बात बोल रहे हैं, कहीं पर भगवान नहीं है। अब तुम्हें दिखे दृष्टि तो नहीं, बिना दृष्टि कैसे दिख जाएगा परमात्मा। लेकिन लोग देख तो पाते नहीं, घोषणा कर देते हैं, ये समस्या। तो इसीलिए जब ज्ञान दृष्टि हो जाएगी तो चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुतिया हो, और चाहे चांडाल हो, सब में परमात्मा दिखने लग जाएगा। पंडिताः समदर्शिनः। अब यहाँ पर इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भगवान के शब्दों को ठीक से समझो। उन्होंने कहा समदर्शिनः, समवर्तिनः नहीं कहा, सबसे समान व्यवहार नहीं कहा। ऐसा जो पंडित है वो पंडित भी जब दूध पीने का अवसर आएगा तो गाय का पिएगा, कुतिया का नहीं पिएगा, लेकिन जब देखने का अवसर आएगा तो सब में भगवान को देखेगा। मतलब ये है कि सबका आदर करेगा, सबके अस्तित्व को स्वीकार करेगा, किसी के अस्तित्व को बर्बाद नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, डंडा नहीं मारेगा कुतिया को। जैसे गाय का आदर करेगा वैसे कुतिया का भी करेगा, क्योंकि इसमें भी परमात्मा है। इतने अर्थ में उसका व्यवहार बदलेगा, लेकिन दूध थोड़े पीने लग जाएगा कुतिया का, नहीं। ये बात है। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।